अलैकुम जी। तो कैसे हैं, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ऑल ओवर ड्रेस डिज़ाइन। और ये टू पीस होते हैं और इनको ऑल ओवर भी बोलते हैं, यानी कि इनकी जो ऊपर वाली टॉप होती है, शर्ट होती है, और जो ट्राउज़र पहनते हो आप, वो सेम होते हैं दोनों। तो इन ड्रेसेस का बहुत ट्रेंड है, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूं। मैंने ये लिबर्टी मार्केट से दोनों ड्रेस बाय किए थे और ये रेडीमेड हैं। अगर आप चाहो तो आप घर पे भी इस तरह के बनवा सकते हो, बहुत इजी हैं, कोई मुश्किल स्टिचिंग नहीं है। चलें जी, मैं आपके साथ इसकी डिटेल्स शेयर करती हूँ, आपको सारा इसका बताती हूँ। सबसे पहले ये ब्लैक ड्रेस है, ये भी रेडीमेड है, मैंने लिबर्टी मार्केट से बाय किया था। इस तरह की एक टॉप है, ये देखें, इस तरह से ऊपर से नीचे तक, नीचे से आके ये थोड़ी सी जो है ना, इसका घेरा थोड़ा खुला हो जाता है, थोड़ी टॉप फ्रॉक की तरह लगती है थोड़ी सी इस तरह नीचे से। और इसके ये बटन लगे हुए हैं और ये ओपन नहीं है, बस बीच में एक बैंड टाइप लगा हुआ है और उसके ऊपर बटन लगे हैं, ये खुल नहीं सकता, सिर्फ ये बटन्स का डिज़ाइन बना हुआ है। ये बहुत इजी, मतलब इसकी स्टिचिंग है, अगर आप लोग चाहो तो घर पे भी खुद से स्टिच करवा सकते हो अपने टेलर को डिज़ाइन दिखा के, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है। और जो भी यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट हैं, टीनेजर गर्ल्स हैं, उनको इस तरह के ड्रेसेस पहने हुए बहुत प्यारे लगते हैं, एक डिसेंट लुक आती है। और ऑल ओवर ड्रेसेस पहने हुए वैसे भी बहुत प्यारे लगते हैं, आजकल इनका बहुत ट्रेंड है। और अब इसके जो बाजू हैं, स्लीव्स, वो बिल्कुल सिंपल हैं, कुछ भी नहीं है उस पर और कोई डिज़ाइनिंग नहीं है। तो अब बात करते हैं इसके ट्राउज़र पे, इसका ट्राउज़र की स्टिचिंग भी मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि ये रेडीमेड है और इसकी स्टिचिंग बहुत अच्छी है, पहनी हुई ना बहुत अच्छी लुक आती है। थोड़ा वाइड लेग नहीं होता, जिस तरह से ऊपर थोड़ा कम खुला है और नीचे आके इसकी थोड़ी सी जो विड्थ है ना, वो ज़्यादा हो जाती है, तो वाइड लेग जिस तरह उसकी लुक आती है फिर इसका ट्राउज़र। और ये हो गया हमारा ओवरऑल ट्राउज़र की लुक, ठीक है, ये आप देख के स्टिच करवा सकते हो। इसके ऊपर थोड़ा सा इलास्टिक लगा हुआ है जो ऊपर वाला है, और ये बहुत प्यारा लगता है पहना हुआ, बहुत दफ़ा मैंने यूनिवर्सिटी पहना हुआ है और बहुत अच्छी लुक आती है इससे। जब आपने इस तरह का ऑल ओवर बनाना हो ना, तो उसके प्रिंट पे ज़्यादा आप लोग अच्छे से चूज़ किया करो, जो प्रिंट होते हैं ना वो ज़्यादा मैटर करता है ऑल ओवर। जो आप अगर बड़े बड़े प्रिंट वाला पहनोगे तो वो अच्छा नहीं लगता, कोई छोटे छोटे वाला प्रिंट लो या इस तरह लाइंस वाला कोई आपको कपड़ा मिलता है तो आप वो ले लो। ये है जी इसकी ओवरऑल लुक, दोनों को मैंने एक साथ दिखा दिया है। इसकी जो लेंथ है ना, इतनी लंबी नहीं है, अब ये हैंग हुआ हुआ है तो वो आगे से ऊंचा और पीछे से नीचे लग रहा है, लेकिन दोनों बराबर हैं आगे और नीचे से। और ये जो है ये टॉप है, लेकिन अगर आप चाहो तो आप सिंपल कमीज़ या जो शर्ट होती है वो सिलवा के नीचे उसकी कैपरी बनवा सकते हो, या फिर इस तरह का खुला ट्राउज़र भी बनवा सकते हो। टॉप के नीचे ट्राउज़र अच्छा लगता है और कमीज़ के नीचे कैपरी। अब बारी आती है हमारे नेक्स्ट ड्रेस की, इसमें जो है सिलवटें पड़ी हैं उसको इग्नोर करें, क्योंकि ये मैंने अभी आयरन नहीं किया, वो आप लोगों को वैसे दिखा रही हूँ। और ये इसके बटन्स हैं इस तरह, इसका ये जो गला है ना, ये गोल है, गला बिल्कुल सिंपल है, आप अपने टेलर को दिखा के बनवा सकते हो। और नीचे जो है वो बैन लगा हुआ है और उसके ऊपर बटन्स हैं। और इसके जो स्लीव्स हैं ना, वो भी बिल्कुल सिंपल हैं, कोई डिज़ाइनिंग नहीं हुई हुई, क्योंकि ऑल ओवर के ऊपर अगर आप कुछ भी करवाते हो ना तो वो नज़र नहीं आता, तो इसको सिंपल ही रखो। फिर इसके साथ इसका ट्राउज़र मैं आपको दिखाती हूँ, ये भी पिछले ड्रेस की तरह ही है इसका ट्राउज़र, लेकिन ये ना ऊपर से लेकर नीचे तक बिल्कुल स्ट्रेट है, जितनी ऊपर इसकी विड्थ है उतना ही नीचे इसकी विड्थ है, तो ये बिल्कुल सेम है, क्योंकि ये शर्ट थोड़ी सी लंबी है पिछली टॉप से। और इसके साथ ये दुपट्टा है पिंक कलर का, मैं मैचिंग करती हूँ, और इसके अंदर ग्रीन कलर भी है और ब्लू कलर भी है, तो आपको जो सूट करता है वो ले सकते हो। और मैं वाइट भी लेती हूँ इसके साथ, वाइट, पिंक, ग्रीन और ब्लू, आप कोई भी दुपट्टा इसके साथ ले सकते हो, वाइट और पिंक ज़्यादा प्यारा लगता है। ये इस ड्रेस की ओवरऑल लुक है। अब इसका ट्राउज़र जो है ना, यहाँ पे भी इलास्टिक लगी हुई है, ठीक है, इस तरह से। और जो कपड़े का फैब्रिक है वो लीलन है, और दोनों ड्रेसेस का ही जो है वो लीलन है। और ये है इस ड्रेस की ओवरऑल, ठीक है, इसके साथ ट्राउज़र है और इसके साथ शर्ट भी है। अब ये जो शर्ट है ना, ये थोड़ी सी पीछे से पिछले ड्रेस से लंबी है, तो इसके साथ कैप्री टाइप है ट्राउज़र, और जो दूसरी ऊंची शर्ट थी उसके नीचे था खुला ट्राउज़र। तो ये डिपेंड करता है, आप अपनी मर्ज़ी से चाहे शर्ट और ट्राउज़र सिलवा सकते हो और यहाँ कैपरी भी स्टिच करवा सकते हो। बस आपने प्रिंट का ध्यान रखना है कि दोनों जो प्रिंट है ना वो कूल हों, आपकी एक जब ड्रेस सिलाई होके आए ना तो वो बहुत प्यारा बने। इनका फैब्रिक जो है लीलन, मैं फिर से बता दूँ। और अगर आप खुद से रेडीमेड बाय करना चाहते हो तो लिबर्टी पर इस तरह की बहुत वैरायटी, आप वहाँ से ले सकते हो। और अगर आप खुद से स्टिच करवाना चाहते हो तो इस तरह के जो अनस्टिच ड्रेसेस होते हैं ना, वो पड़े होते हैं लिबर्टी में, मून मार्केट में, बरकत मार्केट में, आप वहाँ से अनस्टिच कपड़ा लेके, छोटे छोटे प्रिंट वाला कपड़ा पड़ा होता है वहाँ पे, वो अनस्टिच लेके सिलवा सकते हो।
सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। दैट वाज ऑल फॉर टुडे। और बैकग्राउंड के लिए सॉरी क्योंकि ये हॉस्टल रूम है मैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें फॉर मोर अपकमिंग वीडियोस। ठीक है, अब मैं ड्रेसेस आइडियाज़ के साथ आप लोगों के साथ और वीडियोस शेयर किया करूँगी। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियो।